हमारे जैसे विद्यार्थी इसको माता सरस्वती की अभ्यर्थना में लगाते हैं और जो प्रेम की पुजारी हैं वो भी मातृशक्तियों के प्रति समर्पित होते हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सतीश वर्मा जी से दो शब्द आज के पावन पर्व पर। आज बहुत शुभ दिन है, हम सब लोग परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। आज का दिन ऋतुराज का दिन है। ये ऋतुराज कहा जाता है बसंत को। बसंत ऐसा समय है जो सारे ऋतुओं का राजा मानते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बात हो सकती है सारे लोगों को एक अपने ढोल वस्त्र को जाग के पीठ ऊपर में आते हैं। तो अलग तरीके का पुराने समय में तो सरसों के साग और सरसों की खीर की बात हुआ करती थी, लेकिन ये जो मात्र वस्त्र का नहीं है, व्यक्ति अंदर से स्वच्छ बने, अंदर से शीतल शीतलता जो है उसको उसका अनुभव करे और नए संकल्पों में अपने जीवन को सुधारे, संकल्पित हो, ये उसका दिन है। इसीलिए बूढ़ा आदमी के लिए भी समर्पित दिन है। तो आज के संगीत के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सामयिक गायन किया इन्होंने। हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट मैके के डायरेक्टर साहब भाई साहब चाहेंगे दो शब्द आपके संगीत और आपके बारे में देंगे। मेरा सबको बहुत प्यार भरा प्रणाम। बनारस की नगरी मेरी फेवरेट है और मैं बनारस 5 साल रही भी हूँ, 2001 से 2005-06 तक। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम सुमन दुग्गा है और मैं एक भारतीय संगीत कला पिक मैके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस एंड कल्चर अमंग्स यूथ, उसकी मैं एक वॉलंटियर हूँ और मैं डायरेक्टर मीडिया हूँ। और मैं भारतीय संस्कृति कला के लिए मेरे दिल में हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यंग लोगों में उसको प्रमोट करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और सुबह बनारस तो मेरे एक हृदय के इतना करीब है कि मैं दिल्ली से भी रोज़ इसकी दर्शक बनती हूँ और मैं रोज़ अप्रिशिएट भी करती हूँ इसको। और आप लोगों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई। और मैं 2 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, 3 दिन के लिए, और मैं गदगद हो गई हूँ ये सब देखकर। मेरे इतना उल्लासित रहती हूँ कि आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ माई हैप्पीनेस, कि मेरी जो खुशी का अंदाज़ा ही नहीं है। आप महसूस कर पाएंगे कि बनारस की नगरी पूरे विश्व में अद्भुत है। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। आज के दिवस से पौधों में एक खूबसूरती आ जाती है, चिड़िया चहकने लगती हैं, फूल मुस्कुराने लगते हैं, आम में बौर लग जाता है और हमारे जैसे बूढ़े बौराने लगते हैं। आपसे आग्रह करूंगा हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। धन्यवाद आदरणीय विजय प्रकाश।